हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा के शुरुआती रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रुझानों में हरियाणा में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है, तो वहीं शुरुआती रुझानों में हरियाणा में बाजी पलटती दिख रही है। अब भाजपा ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिल गया है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस जहां स्पष्ट बहुमत से आगे चल रही थी, वहीं अब भाजपा आगे हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। बता दें कि दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये नतीजे आगामी राज्यों के चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए तीन फेज में वोटिंग हुई थी, तो वहीं हरियाणा में सिर्फ एक फेज में यानी कि 5 अक्टूबर के दिन मतदान हुआ था और आज ही के दिन दोनों राज्यों के नतीजे सामने आने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि मतगणना का दिन है और मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा के लोगों की सेवा करती रहेगी और कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है और भाजपा सेवा के लिए काम करती है। बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच पहला बड़ा सीधा मुकाबला है। इस चुनाव के परिणाम का असर आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। इस चुनाव में मुख्य पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी है। बता दें कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की ताल ठोक रही है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं और धारा 370 समाप्त होने और केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद ये पहला चुनाव था। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है, तो इस चुनाव के नतीजों से 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली निर्वाचित सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विधानसभा चुनाव में मुकाबले में मुख्य रूप से कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस गठबंधन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव पूर्ववर्ती राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के 5 साल बाद हो रहा है। आपको ये भी बता दो चले कि जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता कविंदर गुप्ता का कहना है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, पत्थरबाजी से मुक्ति दिलाई है, उन्हें अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और वंशवाद से भी मुक्ति दिलाई है। इसलिए जिस तरह से हम बुलेट से बैलेट की ओर, आतंकवाद से पर्यटन की ओर बढ़े हैं, लोगों ने भाजपा को भी वोट दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और हम पार्टी बनाएंगे। एग्जिट पोल के बारे में उनका कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों और हमारे आंकड़ों में अंतर है। हम लोगों के बीच रहे हैं और हम लोगों की राय जानते हैं, परिणाम भाजपा के पक्ष में होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।